नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायरोइडिनम 3X। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये टैबलेट फॉर्म में आती है, तो इस थायरोइडिनम 3X मेडिसिन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से डिसीज, कौन से सिम्टम्स और कैसे इस टैबलेट को सेवन करना है, कितने दिन के लिए सेवन करना है, साथ ही में इसको आप कैसे खरीद सकते हैं और इस थायरोइडिनम 3X टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो ये जो मेडिसिन है थायरोइडिनम 3X ये हाइपर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और आपको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो थायराइड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये थायरोइडिनम 3X टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें ये थायरोइडिनम 3X टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी क्या होता है कि आपके शरीर में जो TFT नाम का टेस्ट करवाते हैं, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट वो करवाते हैं, तो उस वक्त आपके उस टेस्ट में TSH यानी कि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो TSH का लेवल है ये बढ़ा हुआ आता है और जो T3 और T4 थायरॉयड के दो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स में कमतरता आती है, वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और उस हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने का काम ये थायरोइडिनम 3X या फिर 6X टैबलेट मदद करती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जब आपको होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स आता है कि आपको बहुत ज्यादा आप लो फील करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं और धीरे धीरे आपका अनएक्सप्लेन वेट गेन हो रहा है, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा वेट गेन इतना क्यों बढ़ रहा है, मेरा वजन इतना बढ़ क्यों रहा है, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अच्छे से खाती हूँ, मेरा कुछ भी आउटसाइड फूड खाना नहीं है या फिर मेरे शरीर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी ये वेट गेन क्यों हो रहा है। तो ये वेट गेन होने का कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर आपका वेट गेन हो रहा है अनएक्सप्लेन और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, जल्दी भी आप कुछ काम कर लेते हैं और जल्दी आप थक जाते हैं, फटीग आ जाता है, तो वहाँ पर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अदर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, जैसे कि कभी कभी आपको थायरॉयड जो ग्रंथि होती है यहाँ पर उसमें आपको सूजन देखने को मिलती है या फिर गॉइटर्स देखने को मिलता है। तो गॉइटर्स क्या होता है उसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। गॉइटर्स जो है छोटे छोटे जो गठिया है आपको थायराइड ग्लैंड के यहाँ पर दिखने को मिलती है और वो बहुत बड़ी हो जाती है नेक के यहाँ पर। हालांकि अभी गॉइटर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको गॉइटर की परेशानियाँ भी हो सकती है। साथ ही में हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी स्किन जो है वो सूखी हो जाती है, साथ ही में आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। जो महिला होती है उनमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है तो उनको पीरियड्स में मेंसेस में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, कभी कभी अमेनोरिया होता है यानी कि मेंसेस आते ही नहीं है, 4 महीने 5 महीने हो गए आपको मेंसेस नहीं आए हैं, महावरी नहीं आई है, तो वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में आपको इरेगुलर मेंसेस यानी कि 1.5 महीने में एक बार पीरियड्स आ रहे हैं या फिर 2 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। साथ ही में फ्लो भी जो है स्कैंटी हो जाता है यानी कि मेंसेस के दौरान जो रक्तस्राव होता है वो भी कम आने लगता है। तो ऐसे जो भी सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के वो आपको देखने को मिलते हैं। इसका और एक सिम्टम्स होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का एक्सोप्थैल्मस यानी कि आपकी जो आंखें वो बड़ी होने लगती है, जो आपका व्हाइट ऑफ आई होता है, स्क्लेरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आगे की तरफ आपके आंख बहुत ज़्यादा दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोप्थैल्मस। तो वो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी ठीक करने का काम ये थायरोइडिनम 3X टैबलेट करती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के उसको ठीक करने का काम ये थायरोइडिनम 3X टैबलेट जो है ये करती है। साथ ही में अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म आपको होता है तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रो देते हैं और बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में इसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव
प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यानी कि आपको खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है, डाइजेशन में कुछ तकलीफें होती है, कब्ज की शिकायत हो जाते हैं, तो वैसी सारी परेशानियां जो होती है, तो थायरोडिनम 3X टैबलेट अगर देते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलता है। जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेस्ट होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जो फूड आता है उससे जो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आपके बॉडी में मदद करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और जो भी काम आप करते हैं उसको उस काम को करने के लिए। तो लेकिन इसमें क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की, वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है वही स्लो डाउन हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए आपके शरीर में फैट ज़्यादा बनते हैं, वो खाना जो है उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन, एनर्जी में कन्वर्जन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और उसका फैट बन जाता है और आपके शरीर में आपका वेट गेन चालू हो जाता है, और इसके वजह से आपको एनर्जी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा न होने की वजह से इसलिए आप जल्दी थक जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, तो ये थायरोडिनम 3X मेडिसिन आप जरूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक वेल प्रूवन मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है इंडिया का, तो उसमें ये मेडिसिन शामिल है। तो इस मेडिसिन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो थायरोडिनम 3X मेडिसिन है, ये 3X 6X 12X पोटेंसी में आपको मिलती है, तो जितना आपका TSH लेवल है उसके हिसाब से पोटेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं 3X पोटेंसी में, तो इसके 2 टैबलेट आपको दिन में 2 बार लेने हैं या एम्प्टी स्टमक लेने हैं, यानी कि खाना खाने के आधे या फिर 15 मिनट, आप आधे घंटे या फिर 15 मिनट में इस मेडिसिन को आपका सेवन करना है, उसके बाद ही आपको खाना खाना है। जब ये मेडिसिन आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, आपका TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जल्दी ही स्लो डाउन होता है, और इसके साथ साथ आपका वजन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से होता है, थकान चली जाती है, मेंस्ट्रुअल की इरेगुलरिटी जो है वो भी नॉर्मल हो जाती है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और उसमें थायरोडिनम 3X टैबलेट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।